था और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर दुनिया के सभी लोगों के सामने उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। यह हमारी दुनिया को देन है। दूसरी बड़ी देन यह की है, हम भूल गए थे कि मोटे अनाज का क्या मतलब है, मोटे अनाज का हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ सकता है। अचानक प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को जगाया, संयुक्त राष्ट्र से जारी कराया इंटरनेशनल मिलिट्री मोटे अनाज का वर्ष। आकर्षण बढ़ गया है, लोग खाने लगे हैं, स्वास्थ्य के लिए वो सार्थक है और हमारी अर्थव्यवस्था पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ रहा है। मुझे सिर्फ आज यही कहना है, स्वस्थ रहिए, हर परिस्थिति में अपने देश को ऊपर रखिए। ऑलवेज नेशन फर्स्ट ये ऑप्शन नहीं है, ये एकमात्र रास्ता है। हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हम इस महान देश भारत के नागरिक हैं। हमें हमारी उपलब्धियों पर गर्व करना चाहिए। और जो कुछ लोग जिनका हाजमा देश के विकास के लिए कमजोर है, उनको थोड़ा रास्ता दिखाइए। आप सब में ताकत है। इस देश में हम किसी भी तरीके से देश विरोधी ताकतों को आगे बढ़ने नहीं दे सकते, देश विरोधी विचार को बढ़ने नहीं दे सकते जो हमारी प्रगति को अंकुश लगाते हैं। उस विचार को चाणक्य नीति के को ध्यान में रखकर उस पर हमें प्रतिघात करना है, कुठाराघात करना है। और अमृत काल भी हमें वो नींव डालनी है कि 25 साल बाद 2047 में जब भारत आजादी की शताब्दी मनाए, हम दुनिया के शिखर पर रहें। भाई नीरज और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो मुझे मौका दिया है, मेरे मन के उद्गार आपसे साझा करने की बात कही है। अटल जी के नाम पर जो कार्यक्रम है और नरेंद्र मोदी के युग में जो ये हो रहा है, मैं मेरा आभार प्रकट